नमस्कार दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश APS यूनिवर्सिटी रीवा में एडमिशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको विजिट करना होगा apsu.mponline.gov.in पे। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा APS यूनिवर्सिटी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो नया पेज ओपन होगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, जो कि रेड में हाइलाइटेड है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं उनको आप रीड आउट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर आवर सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा APS UTD एडमिशन फॉर्म 2023-24 फर्स्ट राउंड। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है APS UTD एडमिशन फॉर्म 2023-24, और इसमें एक्शन का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें। छात्र अपना स्वयं का ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ही डालें ताकि उसका उपयोग ऑनलाइन सूचनाएं भेजने और शिक्षण कार्य के लिए किया जाए। तो इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। और इसमें फील्ड्स जो कि दिया गया है स्टार में वो मैंडेटरी है, तो कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स में जो भी आपका कोर्स करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का या सर्टिफिकेट कोर्सेज का, तो उसके अनुसार उस पर क्लिक करेंगे आप। फिर जो भी कोर्स है उसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जो भी कोर्स है उसमें आपको पूरा ये नाम आएगा, BBA है, BBA फाइनेंस HR, BA LLB 5 ईयर्स का, और इसी तरह से जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा तो उस प्रकार से आप सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। और उसके बाद इसमें जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PG करना चाह रहे हैं तो PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज, और उसके बाद उसमें ऑप्शन आते जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ध्यान से सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद प्रेफरेंस फॉर द एडमिशन फॉर अदर प्रोग्राम इन केस अनेबल टू गेट एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑफ फर्स्ट चॉइस। अगर आपको वो कोर्स नहीं मिलता है तो दूसरा कौन सा कोर्स आप करेंगे उसके अनुसार से भी इसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आपकी डिटेल भरनी है, और जो भी डिटेल है वो 10th के मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार से आप इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन भरें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और आपके पास अगर APS यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर है तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो PG करेंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन APS यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो उनके पास होगा। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आपके पास नहीं होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस प्रकार से फादर का नाम है, मदर का नाम है, गार्जियंस नेम है, तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सभी इन्फॉर्मेशन ध्यान से भरें क्योंकि इसमें फिर करेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। और डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश का मतलब है मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप हैं तो यस, या नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट सबका सबमिट करेंगे। स्पेशल कैटेगरी इस प्रकार से है, माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड, JKM जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, और JKR जम्मू कश्मीर रेजिडेंट, फ्रीडम फाइटर और NCC। अगर इन सभी में से कोई भी है आपका, उसके अनुसार से टिक कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आप अटैच करें। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो उसके अनुसार से आप अपना डिटेल फिलअप कर सकते हैं। लास्ट इंस्टीट्यूशन डिटेल्स, अंतिम संस्था जो थी जहाँ पर आपने पढ़ाई की, संस्था का नाम, ईयर, इनरोलमेंट नंबर, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है वो आप मेंशन करें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आएंगे तो आपका जो भी है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के अनुसार से पहले 10th का देना है, फिर 12th का देना है, 10+2 ग्रेजुएशन का है अगर आपने PG कर रखा है, या और कोई करना चाह रहे हैं कोर्स उसके अनुसार से LLB या अदर जो भी आपका है उसके अनुसार से उतनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करें, और जो भी मार्क्स था सब्जेक्ट का था परसेंटेज। अब आते हैं
इन केस गैप बिटवीन स्टडीज़ अगर है तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके अनुसार से फिर जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप फिलअप करेंगे और गैप सर्टिफिकेट के लिए आपके पास उसका एफिडेविट हलफनामा होना चाहिए, नोटरी से बनेगा तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। अदर डिटेल्स में है, कोई भी और कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उस पर कर सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं या से अनु उसके अनुसार से इन्फॉर्मेशन को पुटअप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपके पास कुछ थे अन्य कोई तो उसको मेंशन कर सकते हैं। इसमें इनक्लोजर्स में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके अनुसार से उस पर टिक कर सकते हैं। मार्कशीट आएंगी तो 10th की, कास्ट सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ बर्थ में 10th का सर्टिफिकेट आएगा, सब कैटेगरी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ये OBC के लिए होता है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट 10+2 पास विथ साइंस एंड कॉमर्स। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ज़्यादातर किसी और बोर्ड से अगर आप आए हैं तब होता है या किसी अदर स्टेट से है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जब किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट DC है जो कि आपको जो भी आपकी संस्था थी उसके अनुसार से है। डिक्लेरेशन रीड आउट कर सकते हैं, उस पर टिक करेंगे और क्लिक हियर पर OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था OTP एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है आपकी और आपका सिग्नेचर भी रहेगा नीचे। तो इस प्रकार से आप ट्राई करें और नहीं तो जो MP ऑनलाइन की वो सेंटर है वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं और जो भी इसमें कैप्चा दिया है सबमिट करें तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दें और उसके बाद इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट लगा के फ़ोटो कॉपी आप डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर जाके उसको सबमिट भी करना है। तो आप ट्राई करें इस तरह से तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।